दोस्तों जेठालाल दुकान से घर की ओर निकल पड़ते हैं, तभी रास्ते में जाते जाते बारिश होने लगती है। जैसे तैसे घर पहुंच जाते हैं। दया जेठालाल के लिए टॉवल लेकर आती है। जेठालाल टॉवल लेके बेडरूम में चला जाता है। दया जेठालाल के लिए नाश्ता बनाने चल जाती है। दया नाश्ता बना करके हॉल में रख के दया जेठालाल को बुलाने के लिए चल जाती है। दया जैसे ही कमरे में जाती है तो वो देखती है कि जेठालाल का किसी ने खून कर दिया है, तो वह तुरंत चालू पांडे को कॉल लगाती है। कॉल लगाने के बाद तुरंत चालू पांडे पहुंच जाते हैं और वह पूरा छानबीन करने लगते हैं। तो चालू पांडे पूछते हैं घर पर कौन कौन है। तो दया बोलती है अभी घर पर बाबूजी, मैं, टप्पू और एक मेड है जो कि घर का काम संभालती है। चालू पांडे सभी को यहाँ पर बुलाने के लिए कहते हैं, तो दया सभी को यहाँ बुला लेती है। तो चालू पांडे पूछते हैं कि तुम सब अभी कुछ देर पहले क्या कर रहे थे। तो दया बोलती है मैं तो नाश्ता बना रही थी। तो बाबूजी बोलते हैं मैं तो अपने कमरे में सोया हुआ था। और टप्पू कहता है मैं तो पढ़ाई कर रहा था। मैड कहती है मैं तो गार्डन में पेड़ की छटाई कर रही थी। सबकी बातें सुनकर चालू पांडे समझ जाता है कि जेठालाल का खून किसने किया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जेठालाल का खून किसने किया? अगर आपको आता है आंसर तो हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं। तो आपके पास है 10 सेकंड का समय, तो आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों खून मेड ने किया है। जी हाँ, शहर में बारिश हो रही थी तो मेड कैसे पेड़ की छटाई करेगी, यानी कि यह मेड झूठ बोल रही थी। तो दोस्तों यह थी हमारी राय, आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं। साथ ही अगर आपको यह पहेली अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जल्दी से हमारी और इसके पीछे वाली वीडियो ज़रूर से देखें। तो चलिए हम अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों गोकुल धाम सोसाइटी में किसी न किसी के घर हरदम चोरी होते, तो सबको भीड़े को अपनी अपनी घर की चोरी के बारे में बताते हैं। तो भीड़े वहाँ पर चालू पांडे को बुलाते हैं। तो चालू पांडे पूछते हैं कि चोरी कब कब हुई और किस दिन हुई। तो भीड़े कहते हैं कि सभी चोरियाँ संडे को दोपहर के टाइम में हुई है। भीड़े से पूछते हैं क्या गोकुलधाम सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा है। हाँ सीसीटीवी कैमरा है सोसाइटी में, आप वो देख सकते हैं। तो भीड़ चालू पांडे को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। तो चालू पांडे समझ जाते हैं कि सोसाइटी में चोरी किसने की है। तो दोस्तों आप क्या बता सकते हैं कि सोसाइटी में चोरी किसने की है? अगर आपको आंसर आता हो तो हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं। तो इसके लिए आपके पास है 10 सेकंड का समय, तो आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों संडे के दिन पोस्टमैन यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में क्या कर रहा है? पोस्टमैन को संडे के दिन सरकारी छुट्टी रहती है, तो पोस्टमैन गोकुलधाम सोसाइटी में क्या कर रहा है, यानी चोरी पोस्टमैन कर रहा था। चालू पांडे पोस्टमैन को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी राय, इसमें आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट में ज़रूर से बताएँ। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें।